हेलो दोस्तों, क्या आपका भी चेहरा डल हो गया है, काला पड़ गया है, टैनिंग हो गई है? तो आज हम आपके लिए एक होममेड ब्लीच लेकर आए हैं जो हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं उसको भी रिमूव करेगा, जितने भी छोटे छोटे बाल हैं उसको भी हटाएगा और पिगमेंटेशन की समस्या को दूर करेगा। तो यह नेचुरल ब्लीच हमने बनाई है। अगर आपको वीडियो हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इस ब्लीच के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हम बाज़ार में जाकर महंगा ब्लीच करवाते हैं, उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज हम नेचुरल तरीके से अपने बालों के रंग को हल्का करेंगे और उनको हटाएंगे। चलो तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम होममेड ब्लीच लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हमने लेना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं उसको भी रिमूव करेगा और जितने भी हमारे छोटे छोटे बाल होते हैं उसको भी रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच भर के लिया है गेहूं का आटा, या घर का पिसा हुआ गेहूं का आटा लेना है। बाजार की ब्लीच जब हम यूज करते हैं तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज हम घर पर ही नेचुरल तरीके से ब्लीच बनाएंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और उसके बाद हमें लेना है आलू का रस। आलू के रस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं उसको भी रिमूव करेगा और जितनी भी झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, उसको भी दूर करेगा। तो यहाँ पर हमने एक बड़े आलू का रस निकाल कर रख लिया है। यह होममेड ब्लीच है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ एक चम्मच हमने डाल दिया है आलू का रस। और उसके बाद हमें लेना है दही। दही हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग करेगा और हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं उसको भी लाइट करेगा। तो यहाँ पर एक चम्मच लेना है दही। उसके बाद हमें लेना है लेमन। लेमन में भर भर के विटामिन सी होता है, हमें हमारे स्किन को लाइट एंड ब्राइट करता है। तो यहाँ पर 4 से 5 बूंदा हमें लेमन की ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है हनी। हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइजिंग करता है और हमारे स्किन को फटने नहीं देता है। तो यहाँ पे हमने लिया है एक चम्मच हनी। और इसके बाद हमें लेना है बेसन। बेसन हमारे जितने भी दाग धब्बे हैं उसको भी रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक चम्मच बेसन। यह नेचुरल ब्लीच है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सभी तरह के इसको यूज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस ब्लीच को आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी ब्लीच है, जितने भी हमारे दाग धब्बे हैं उसको भी रिमूव करेगी, हमारे स्किन पे ग्लो लाएगी, चमक लाएगी। तो हमारा पैक बनकर तैयार हो गया है, अब हम उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने बालों को रबर बैंड से ऊपर की साइड कर लेना है ताकि हमारे बाल फेस पर नहीं आए। और इस होममेड ब्लीच को हमने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है। ऊपर नीचे से ऊपर की साइड हमें लगाना है। कुछ इस तरीके से अपने फेस पर लगा लेना है।
अपने पूरे फेस पे हमने इसको अप्लाई कर लिया है और 20 मिनट के लिए हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है। 20 मिनट हमारे ब्लीच को कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम फिंगर की हेल्प से इसको गोल गोल राउंड में थोड़ी सी मसाज कर लेंगे, जिससे हमारे जितनी भी डेड स्किन है वो भी निकल जाएगी और हेयर है, छोटे छोटे बाल हैं वो भी निकल जाएंगे। 2 मिनट हमें अपने फेस की इस तरीके से मसाज कर लेना है। अब हम अपने फेस को वॉश कर लेते हैं। आफ्टर ब्लीच के बाद आप मेरा फेस देख सकते हो कितना ग्लो आ गया, जितने भी दाग धब्बे थे वो भी रिमूव हो गए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।